सो हेलो रिवन अंकित वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी आ चुकी है एक वैकेंसी अप्रैल में आई थी दूसरी आपकी 24 जुलाई को आई थी और तीसरी जो वैकेंसी है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है इसका नोटिफिकेशन आ चुका 3, है एडवर्टाइजमेंट नंबर थ्री दो हज़ार इक्कीस यहाँ पर मैंसन है देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं एक प्लस टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी अलग अलग, अलग एयरफोर्स स्टेशन के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी है तो so, यहाँ से आपको चेक करनी है किस यूनिट में किस एयरफोर्स स्टेशन में आपको अप्लाई करना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है किस कैटेगरी से अप्लाई करना है सो so, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको देखनी है आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन एक साथ नहीं अलग अलग अगर आप यहाँ से एच के अप्लाई करना चाहते हो मान लो आप यू कैटेगरी से हो दो वैकेंसी हैं यहाँ पर तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म यहाँ भेजना होगा इस एड्रेस पर इसके अलावा अगर आप एम के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर यहाँ पे, पे यू के लिए दो तीन वैकेंसी अगर आप यू कैटेगरी से हो और यहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है तो इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल वीडियो मैंने इसके पहले बना के आपको दे दी है वो जाके देख लो एज लिमिट के बारे में तीसरे नंबर पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए डिटेल में मैंने इसमें वीडियो में बताया तो जाके वो वाली वीडियो देख लो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा लास्ट डेट क्या होगी हाउ टू अप्लाई अप्लाई कैसे करना है यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था तो लास्ट वीडियो जिसने भी नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा जाके देख लेना अब इसके बाद नीचे आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस जिनको आपको पढ़ने हैं इसके बाद यहाँ पे कोविड 19 इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं देखिए इसका जो फॉर्म है वो आप 7 अगस्त के बाद किसी भी टाइम भेज सकते हो और ये जो फॉर्म है आपका 7 सितंबर से पहले पहुँच जाना चाहिए हर हाल में स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर के थ्रू आप इस फॉर्म को नहीं भेज सकते साधारण ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको ये फॉर्म भेजना है नीचे है आपका फॉर्म और यही फॉर्म आपको टाइप करवाना है और इसका प्रिंट आउट निकलवाना है इसके बाद इसको फिल करना है और सेंड करना है सो आप टाइप मत करवाना मैं आपको इसका परफॉर्मा जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ ये रहा इसका परफॉर्मा और यही फॉर्मेट आपको जस्ट डाउनलोड करना है अभी मैं आपको सेंड कर दूँगा और इसको डाउनलोड करके आप इसको फिल करेंगे और देन आप इसको सेंड कर देंगे जिस भी यूनिट जिस भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो जिस भी पोस्ट के लिए सो so, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेस्ट बुक के बारे में बताना चाहूँगा टेस्ट बुक का एक बहुत ही कमाल का सब्सक्रिप्शन है टू नाइनटी का एक साल इसकी वैलिडिटी है 370 प्लस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे इसके अलावा 22000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें उन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक साल के लिए टू में यहाँ पे दिए जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन में चलिए जब आप परचेज़ करोगे तो ये कोड का ऑप्शन आएगा एक कूपन कोड दिखेगा नीचे सबसे तो वहाँ पे आप ये कूपन कोड डाल देना आई नेवी टेन कूपन कोड डालते आपको दस परसेंट का और डिस्काउंट मिल जाएगा मतलब टू सेवेंटी नाइन रुपये में आपको एक साल का टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर चेक करो सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी क्लिक करके ये सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर लो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा अपलीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर आप पोस्ट लिखोगे इन किस यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हो देखो एयरफोर्स के अंदर काफ़ी सारे स्टेशन है काफ़ी सारे यूनिट्स हैं तो हर स्टेशन हर यूनिट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है राइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर यूनिट स्टेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है कैटेगरी वाइज तो जिस भी आप आ, यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे ये यूनिट का एड्रेस है और वो चीज़ यहाँ पे आपको इस फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करनी होगी यहाँ पे किस यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो एम की जो वैकेंसी काफ़ी सारी यूनिट में निकाली गई जो किस यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आप मेंशन करोगे पॉइंट नंबर वन पे लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर तो यहाँ पे आपको जिस भी पोस्ट के लिए है दोबारा आप उस पोस्ट का नाम लिखोगे आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो नेम ऑफ कैंडिडेट आपको कैपिटल लेटर में आपका अपना यहाँ पर नाम लिखना है फादर्स नेम यहाँ भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ठीक है इसके बाद फोर्थ नंबर पे डी है तो जो भी आपकी डी है वो आप यहाँ पे डी इस तरीके से फिल कर देंगे ठीक है अब जो भी आप डी फिल करेंगे तो उसका आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो आप यहाँ पे टेंथ की मार्कशीट भी अटैच कर सकते हो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपका टेंथ का मार्कशीट है उसकी एक फोटो कापी लेनी है आपको और उसमें आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और डेट लिख देनी है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा फिफ्थ नंबर पर आपको यहाँ पर एज डालनी है एज एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन सो यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट बताई है इन्होंने एयरफोर्स वालों ने वो ये बताई कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर पर पे जैसे ही आ जाता है उसके बाद आपके पास तीस दिन का समय है तब तक आप इस फॉर्म को भेज देंगे सो so, सात तारीख को ये आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर पर पे और तीस दिन अगर काउंट किए जाएँ तो ऑलमोस्ट सात सेप्टेम्बर या फिर छः सेप्टेम्बर आपका होगा सो so, यहाँ से आपको डेट आपकी जो एज है वो निकालनी है एज निकालने के लिए आप गूगल पे जाइए गूगल पे सर्च करिए एज कैलकुलेटर ये एज कैलकुलेटर आ जाएगा यहाँ पे आप ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ये डेट ऑफ बर्थ जुलाई दो 2021 है सो इसको हम कर देते हैं 2003 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ ऊपर डालोगे एज एट द डेट ऑफ किस डेट तक आपको एज निकालनी है तो यहाँ पर सेप्टेंबर सात या फिर सेप्टेम्बर छः कर देना ठीक है इसके बाद इसको कैलकुलेट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपकी एज है निकल के आ जाएगी यहाँ पे देखो एज निकल के आ गई 18 साल जीरो मंथ फोर डेज तो जो भी आपकी एज होगी वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी और वही आपको इस फॉर्म में लिखना है क्लियर ठीक है आगे देखते हैं छठवें नंबर पर एरेस एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस यहाँ पे आपको करस्पोंडेंस एड्रेस डालना है मतलब जहाँ पे फ़िलहाल आप इस समय हो जहाँ पे चाहते हो कि आपका जो कॉल लेटर है हो वो आए क्योंकि कुछ लोग घर से बाहर भी रहते हैं तो उनको जो करस पांडेस एड्रेस है उनको ये यह यहाँ पे डालना है और जो उनका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों डाल देंगे ठीक है आठवें नंबर पे है कास्ट किस कास्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर ये चीज़ आप मैंसन करोगे और उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है नवे नंबर पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सो so आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो अलग अलग क्वालिफिकेशन है सो so वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे मेंशन करोगे और उसका जो सर्टिफिकेट है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अटैच करना होगा टेंथ नंबर पे है एनी अदर क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है वो आप अगर आपने कुछ करी है तो वो आप यहाँ पे मैंसन करोगे और उसका आप एक कॉपी भी अटैच कर दोगे नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो एलेवेंथ नंबर पर कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो ओ बी सी एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस या फिर स्पोर्ट पर्सन से या फिर पी एच कैंडिडेट हो आप फिजिकली हैंडी कैप कैंडिडेट हो जिस भी आप कैटेगरी से हो यहाँ पे आप उस चीज़ को मेंशन करोगे और उसका जो एक कॉपी है वो भी आप सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करोगे ट्वेल्थ नंबर पे टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर कोई एक्सपीरियंस है कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग मांगी गई है एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो यहाँ पे आप इस चीज़ को मेंशन करोगे थर्टीनथ नंबर पे डोमिशाइल आपका निवास क्या है जो भी आपका निवास है यहाँ पे आप मेंशन करोगे और आपको निवास प्रमाण पत्र का एक कॉपी भी लगाना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके फोर्टीन नंबर पर है वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यस और नो तो इसको आप नो छोड़ सकते नो कर, कर देना फिफ्टींथ नंबर पे आई हियर बाई सर्टिफाई दैट एबब पर्टिकुलर्स मैंसनड इन द अप्लीकेशन आर करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ इफ पर्टिकुलर्स मैंसन बाई मी आर फाउंड फॉल्स एट एनी स्टेट देन आई शैल बी लाइबल टू बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस तो फिफ्टीन नंबर पर लिखा कि अगर आपने जो ऊपर चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, जो भी चीज़ें दी हुई हैं अगर इनमें से कुछ भी आपका जो है गलत पाया जाता है तो आप किसी भी स्टेज में आप विदाउट नोटिस आप टर्मिनेट किए जा सकते हो क्लियर ठीक है इसके बाद यहाँ पे जिस डेट को आप इस फॉर्म को पब्लिश करोगे आई I मीन mean, इस फॉर्म को सेंड करोगे उसकी डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है दस अग दस अगस्त बारह अगस्त जो भी है आपको यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करनी है यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करोगे जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप लिखोगे इसके बाद ऑफिस रिकॉर्ड ओनली तो आप इसको छोड़ दोगे इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है नीचे एक्नोलेजमेंट कार्ड यहाँ पे आपको फिर से लिखना है आपकी जो पोस्ट थी वो पोस्ट यहाँ पे आप लिखोगे आप अपना नाम यहाँ से फिर से लिखोगे फादर्स नेम यहाँ पे फिर से लिखोगे इसके बाद यहाँ पे आपको करस्पोंडेंस एड्रेस डालना है जहाँ पे इस समय आप हो जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आएगा सो यहाँ पे आपको अपना करस्पोंडेंस एड्रेस डालना है जो कि आपने पॉइंट नंबर सिक्स में डाला था इसके बाद चौथा नंबर पॉइंट आपको खाली छोड़ देना है पाँचवा नंबर पॉइंट भी आपको खाली छोड़ देना है यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है फ़ोटो आपकी रीसेंट होनी चाहिए पुरानी नहीं चलेगी इसके अलावा एक फ़ोटो आपको ऊपर लगानी है यहाँ पर फोटो में आपको इस तरीके से फ़ोटो लगने के बाद आपको यहाँ पे तिरछा इस तरीके से आप यहाँ पे साइन कर दोगे ठीक है इसके अलावा इतना काम हो गया आपका फॉर्म फ़िलअप हो गया इस तरीके से पूरी तरीके से आपका फॉर्म फ़िलअप हो गया इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है अब आपको मार्केट से दो एनवलप लाने हैं जो पहला एनवलप होगा और जो दूसरा एनवलप होगा जो दूसरा एनवलप होगा वो पहले एनवलप से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ठीक है मान लो ये पहला एनवलप है आपका और दूसरा इनवलप आपका छोटा होना चाहिए सो so, जो पहला एनवलप है आपका इसमें आपको सारी चीज़ें डालनी है आपने जो फॉर्म भरा वो इसके अंदर आप फोल्ड करके डाल दोगे इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डाल दोगे इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको भेजनी है सो so, दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप इसी में डाल दोगे इसके अलावा जो आपको छोटा वाला एनवलप है इसमें आपको दस रुपये का पोस्टल स्टैंप लगाना है साथ में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है टू अपना नाम लिखना और यहाँ पे पूरा आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे लिख दोगे लिखने के बाद ये लिफाफा आप इसी के अंदर बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल दोगे इसके बाद जो बड़ा वाला लिफाफा है उसमें आपको सबसे ऊपर बड़ा वाले लिफाफे में सारी चीज़ें आपने डाल दी अब उसको आप गोंद से चिपका देंगे इसके बाद सबसे ऊपर आपको ये लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपकी पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट ऑफ लिखेंगे एंड कैटेगरी जो भी आपकी है वो कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर तीन दो हजार इक्कीस डी आर ये लाइन आपको सेम टू सेम ऊपर छाप देनी है इसके बाद जो बच्ची जगह नीचे यहाँ पे आपको आपके एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस लिखना है जिस भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपके एड्रेस दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हो सो उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है लिखने के बाद स्पीड पोस्ट कुरियर रजिस्टर्ड पोस्ट ये आपको कुछ नहीं करना है डायरेक्ट आपको जो आपका ऑर्डिनरी साधारण पोस्ट है उसके थ्रू ये फॉर्म आपको भेज देना है फॉर्म आप इस समय भेजिएगा कि हर हाल में सात सेप्टेम्बर से पहले पहले आपका फॉर्म आपके स्टेशन तक एयरफोर्स स्टेशन तक पहुँच जाना चाहिए बस यही प्रोसेस है और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है अब ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा जो फॉर्म अभी हमने भरा है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ये फॉर्म मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं सब के बारे में वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा कब क्या हो रहा है सो छोटी छोटी जो भी अपडेट्स आएंगी कब क्या होना है वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर पता चलती रहेंगी बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चीज़ें क्लियर हो गई हो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में